वेरी गुड, आई लाइक योर पैशन. थैंक यू सो मच सर. ऐसी मेहनत करते रहना. अच्छा, एक बात मुझे डिस्कस करनी थी तुमसे यार. हो सकता है जॉब के सिलसिले में तुम्हें शहर से या मुल्क से बाहर जाना पड़े, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं नहीं सर, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है. काम है सर, काम के लिए तो इंसान जाता ही. हाँ, और घूम फिर के भी आ जाना. चलो, काम बहुत हो गया, आओ चाय पीते. जी अरे हाँ, याद आया, वो तुम्हारी गाड़ी आ गई है, वापसी में पिक कर लेना. थैंक यू सर. थैंक यू की क्या बात है यार. तो आज रात की क्या मसरूफियत है तुम्हारी? सर अभी तक तो कुछ नहीं सोचा था, लेकिन अब सोच रहा हूँ अगर गाड़ी पिक कर लूँगा तो घर वाले उनको लेकर जाऊँगा ना बाहर सर, घुमाऊँ फिराऊँगा, लॉन्ग ड्राइव पे लेकर जाऊँगा, खुश हो जाएंगे. मैं सोच रहा था कि हम कहीं बाहर डिनर करते यार, लेकिन चलो कोई बात नहीं, कभी बाद में चले जाएं. अरे नहीं नहीं सर, अब सर घर वालों को तो ले ही जाऊंगा सर, डिनर करते हैं ना. अच्छा है, थोड़ी काम के ऊपर भी मजीद बात हो जाएगी. ठीक है, चलते हैं, रात में मिलते हैं. ड्रेस तुम पे बहुत सूट कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए ही बनाया गया. तुम मेरे सारे गिफ्ट्स अपने पास संभाल के रखती थी, मुझसे कहती थी नहीं सुल्तान ने दिए हैं, मैंने अपने सीने से लगा के रखूंगी, मुझे याद है तुम्हें. शायद यही वजह कि मेरे दिल से तुम्हारी मोहब्बत आज तक कम नहीं हुई. ये ले खाना खा ले. क्या सोच रही हैं आप? इतना पसीना क्यों आ रहा है आपको? आपको तो बुखार भी हो रहा है. मैं ठीक हूँ, तुम क्यों आई हो? क्यों मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? नहीं, मेरी तबीयत खराब है, तुम जाओ. अब
प्रिया मुझसे और अम्मी से इतना रूठ क्यों हो रही है? इतनी मुश्किलों से तो अम्मी का रवैया आपके साथ ठीक हुआ है। अच्छा एक बात बताएं, आपका भाई से झगड़ा हुआ है? नहीं, तुम जाओ, खाने में खा लूंगी। बहुत 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 मुबारक हो नगीन, मेरे बस में नहीं है कि किसी तरह से उड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं। बच्चों के एग्जाम्स नहीं होते ना तो मैं तुम्हारे पास होती, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मैं डिलीवरी पे तुम्हारे पास होंगी। ओके नगीन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो? नहीं आपी, मैं तो खुश हूँ। आपको किसने बताया? हारून ने बताया, वो बहुत खुश था, लेकिन कह रहा था कि तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, खाने पीने पे कोई तवज्जो नहीं है और अपसेट भी रहती हो। नकी, तुम रो रही हो? आप वापस आ गए। कौन वापस आ गए? वही भेड़िया जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी। सुल्तान कहीं बाहर गया हुआ था, वापस आया है। आप जानते हैं हारून किसकी कंपनी में जॉब करता है? सुल्तान दुरानी की कंपनी में। क्या हारून, आप कहाँ हैं? इतनी देर से आपका इंतजार कर रही हूँ मैं। अभी अभी ऑफिस से निकला हूँ और अब बॉस के साथ एक 5-स्टार होटल में डिनर करने के लिए जा रहा हूँ। बाय द वे, मेरे पास तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है। कैसी गुड न्यूज़? सरप्राइज है, घर आऊंगा तो बताऊंगा। हारून क्या सरप्राइज है, मुझे आप बता क्यों नहीं रहे? बॉस के साथ क्यों जा रहे हैं आप डिनर पे? अरे भाई, मेरे बॉस मुझ पर मेहरबान है। अच्छा सैलरी पैकेज दिया, बेहतरीन अपार्टमेंट दिया और आज तो ब्रांड न्यू कार भी दे दी। अरे यार, मैंने तुम्हारा सरप्राइज खराब कर दिया है ना। अच्छा प्लीज सुनो मेरी बात, रिधा को और अम्मी को इस बारे में कुछ नहीं बताना। मैं गाड़ी घर लेकर आऊंगा ना तो उन्हें खुद दिखाऊंगा और उसके बाद तुम्हें भी इसी गाड़ी में सैर करवाऊंगा। तुम्हें पता नहीं है इतनी जबरदस्त, इतनी शानदार गाड़ी है। अब मैं होटल के करीब पहुंच गया, मैं तुमसे घर आके बात करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। तुम भी ये सोच रहे होगे कि मैंने तुम्हें डिनर पे इनवाइट क्यों कर लिया। एक्चुअली मेरी तबीयत ही कुछ ऐसी है, मैं अपने एम्प्लॉयज की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, खासकर उन एम्प्लॉयज की जो बड़े मेहनती होते हैं, बड़े इंटेलिजेंट होते हैं तुम्हारी तरह। मैं चाहूंगा कि हम सिर्फ काम ही साथ ना करें बल्कि साथ दोस्त बन के रहें। सर, सर आप ग्रेट हैं सर, मैंने अपनी जिंदगी में आप जैसा इंसान तो देखा ही नहीं और बॉस तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं देखा। तो वाइफ की तबीयत कैसी है तुम्हारी? आप सर पहले से बेहतर है। वो दरअसल सर वो
एक्सपेक्ट कर रही है। अच्छा, बाप बनने वाले हो। नाइस। पहला बच्चा? जी सर, पहला। लव मैरिज थी? जी सर, पहली नजर में मुझे उनसे मोहब्बत हो गई थी। अच्छा, तो प्रपोज पहले किसने किया था? सर ऑफ कोर्स मैंने प्रपोज किया था। वो तो ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं। पहली बार कहाँ मिले थे? सर बड़ी लंबी कहानी है, सुनाना तो चाहता हूँ लेकिन मैं जानता हूँ आप जैसे बड़े इंसान के पास कहानी सुनने का वक्त कहाँ हो। नहीं नहीं, मेरे पास बहुत वक्त है। मेरा मतलब है कि तुम चाहो तो अपनी कहानी मुझसे शेयर कर सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, मेरा ख्याल है मैं कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहा हूँ जैसे तुम्हारी। अरे नहीं नहीं सर, सर आई एम सॉरी अगर मैंने आपको कोई ऐसी फीलिंग दी है तो। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप पर्सनल हो रहे हैं सर, वरना बॉस ऐसे कहाँ होते हैं, आप तो बहुत अलग तरह के बॉस हैं। देखो मैं काम के वक्त बॉस हूँ, इस वक्त तुम मुझे अपना दोस्त समझ सकते हो, लेकिन हाँ काम के मामले में मैं रियायत नहीं करता हूँ बिल्कुल भी। तो तुम लव स्टोरी सुना रहे थे अपनी यार? लव स्टोरी बिल्कुल सर। सर दरअसल मैं और नगीन ऐसे ही मिले थे जैसे जैसे फिल्मों में हीरो और हीरोइन मिलते हैं, एक ट्रेन स्टेशन के ऊपर सर। उसी तरह हमारी टक्कर हुई जैसे हीरो और हीरोइन की होती है। नगीन के हाथ से उसी तरह उसका टिकट गिरा जैसे हीरोइन के हाथ से कोई चीज़ गिरती है, और वो वापस देते हुए हमारी नज़रों से नज़रें मिली, और सर मुझे जो पहली नज़र में उससे प्यार हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग, फिर क्या हुआ? फिर सर मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा, और इत्तेफाक से सर मेरे ही ऑफिस में नगीन नौकरी। मम्मी 10 बज रहे हैं लेकिन अभी तक हारून का कुछ नहीं पता, वो अभी तक नहीं लौटे। ओफो, तो उसमें इतना शोर मचाने की, परेशान होने की क्या बात है? उसे कहा था ना कि बॉस के साथ खाना खाने जाना है, बात खत्म। बिला बजे क्या हो गया भाभी, आ जाएंगे भाई, परेशान होने वाली क्या बात है। हेलो एवरीवन, थैंक गॉड भाई आप आगे, भाभी इतना परेशान हो रही। अरे भाभी क्यों परेशान हो रही थी, भाभी को तो एक मिनट, कहीं तुम्हारी भाभी ने तुम्हें सरप्राइज के बारे में तो नहीं बता दिया ना? कौन सा सरप्राइज, भाभी ने तो हमें कुछ नहीं बताया। हां थैंक गॉड, सरप्राइज मेरे पास है और वो है 1 2 3 टाटाटाटा, मुझे ऑफिस की तरफ से नई गाड़ी मिली है। गाड़ी भी मिल गई आपको? अल्लाह तू कितना रहीम है करीम है, अपना करम बनाए। ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है, पता है आपको? मुबारक हो। आपको भी बहुत मुबारक। चले ना भाई, मुझे जल्दी से अपनी नई गाड़ी दिखाएं बस। अरे दिखाने की बात कर रही हो, मैं तो सोच रहा था हम लोग बाहर जाते हैं, सैर करते हैं। हाँ। इस वक्त बहुत रात हो गई हारून। नगीन, ये कराची शहर है, आधी रात को भी लोग बाहर होते हैं, बाहर निकल के तो देखो कितनी रौनक है, चलते है ना यार, मजा आएगा। आप लोग जाएं, मुझे नहीं जाना। तो भाभी को पता नहीं क्या हो गया, सारा दिन ही मूड ऑफ रहता है इनका। उसकी तबीयत खराब है ना, इस वजह से तो रेस्ट करना चाह रही होगी। एक काम करो ना, मैं बाहर जाके गाड़ी में बैठ रहा हूँ, एसी चला के रखता हूँ, आप लोग जल्दी से रेडी होकर आए, घूमने फिरने चलते हैं। ठीक है, हमारी ड्यूटी है, जल्दी से लेकर आओ बाहर। बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? एक बात क्यों, आप हजार बातें पूछें। ये जॉब आपको कैसे मिली थी? ये जॉब मुझे ऐसे मिली थी कि एक रिक्रूटमेंट फर्म थी, उन्होंने मेरा सीवी सुल्तान साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। आप क्या जानते हैं उनके बारे में, कैसे शख्स हैं वो? अरे बहुत अच्छे इंसान है, तुम क्यों इतना पूछ रही हो? मैंने उनके माजी के बारे में कुछ अच्छी बातें नहीं सुनी। आपने उनके स्कैंडल्स के बारे में तो सुना होगा ना? हाँ जाहिर है।
वो एक सियासी खानदान से हैं और सियासत में आपके मुखालिफीन आपको बदनाम करने के लिए ऐसे स्कैंडल्स तो बनाते रहते हैं। उन पे उनकी बीवी और चचा को मर्डर करने का इल्जाम है। सुना है माजी में किसी लड़की को हरास करने का भी इल्जाम था। सब माजी की बातें हैं, तुम सोच सोच के क्यों परेशान हो रही हो? मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ क्योंकि आप उनके पास जॉब करते हैं और काफी इम्प्रेस भी हैं उनसे। उनकी शोहरत अच्छी नहीं है। वो एक स्कैंडल था और कुछ नहीं। देखो, उनके सियासी हरीफों ने ना उन्हें बदनाम करने के लिए एक बस स्टेशन की आम सी लड़की को हायर कर लिया था। उसने जो कहना था वो कह दिया, लेकिन मैं सुल्तान साहब को जानता हूँ। सुल्तान साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। इसका मतलब है वो लड़की गलत थी। आप और क्या जानते हैं स्कैंडल के बारे में? कुछ खास नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि हमारे माशरे में बाकी सब माशरों की तरह अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन पता है मुझे ऐसी लड़कियों से खास तौर पे बहुत नफरत है जो लाख दो लाख के पीछे अपना ईमान बेच देती है। मैं तो हमेशा ऐसी लड़कियों से दूर रहा, कभी चाहते ना चाहते भी उनसे बात नहीं कर पाया और अल्लाह ताला मुझे दूर ही रखे उनसे। हारून, आप ये जॉब छोड़ दें। तो मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं सीरियस हूँ। आप ये जॉब छोड़ दें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ये क्या बोल रही हो, मैं क्यों छोड़ूं ये जॉब? आप खुद देखें ना, जब से आपने ये जॉब शुरू की है घर का माहौल कितना अजीब हो गया। मैं तो बहुत खुश हूँ, अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन लगता है तुम नाशुक्री कर रही हो अभी। आपको नजर नहीं आ रहा कि जब से आप ये जॉब करें हमारे बीच बहस हो रही है, हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, अजीब और गरीब किस्म का माहौल हुआ है। ठीक कह रही थी, मुझे मैं उनसे लड़ रहा था कि मैं तुम्हें समझ चुका हूँ, लेकिन नहीं, उनकी बात सही थी, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। सियासी हरीफों ने उन्हें बदनाम करने के लिए मुझे स्टेशन की आम सी लड़की को हायर कर लिया। उससे खास तौर पे बहुत नफरत है। अच्छे इंसान शायद ऐसी लड़की से, इसका मतलब है वो लड़की गलत है जो लाख दो लाख के पीछे अपना ईमान बेचना चाहते भी उनसे बात नहीं कर पाए और अल्लाह ताला मुझे दूर ही रखे। खुदा का वास्ते संभाल लो खुद को, वरना पागल हो जाओगी। नगीन, तुम्हारी हालत देख के सबको तशवीश हो रही होगी। अगर हारून को जरा सा भी शक हो गया ना, तो एक पल नहीं लगाएगा ये रिश्ता तोड़ने में। अगर तुम्हें अपनी इज्जत और बच्चे की जान प्यारी है तो खुदा के लिए अपना मुंह बंद रखो और सब काम लो। तुम्हें याद है ना, हारून से शादी के वक्त तुमने वादा किया था कि अपने माजी का साया अपने हाल पे नहीं पड़ने दोगी। मैं बहुत बेबस हूँ आपी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दिन रात एक अजीब से खौफ में मुब्तला रहती हूँ, अपने बच्चे को खो देने का खौफ, इस घर को हारून को खो देने का खौफ। मेरे पास तो हारून के अलावा और कोई भी नहीं है ना आपी, क्योंकि मैंने हारून को खो दिया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा ही होगा,
ऐसा ही होगा अभी। वो इसीलिए वापस आया है। क्या कर लेगा वो ज्यादा से ज्यादा? सुल्तान बहुत खतरनाक है आपी, वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने हारून को ये जॉब भी इसीलिए दी है, ये फ्लैट, ये गाड़ी, ये सब कुछ इसीलिए दिया है। वो हारून के जरिए मेरे करीब आना चाहता है। आप जानती हैं, जब से हारून की ये जॉब लगी हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगी। हम पहले कभी नहीं लड़ते थे, अब हर एक छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। तुम दोनों के बीच की ये दूरियां सुल्तान दुरानी की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने शक और पागलपन की वजह से। यकीन, अपने दिल से हर तरह का खौफ निकाल दो। अगर सुल्तान ने तुम्हारे शौहर को कुछ बताना होता ना, तो कब का बता चुका होता। अभी आप बहुत सादी हैं, अब घर से बाहर ही कब निकलती हैं, आप नहीं समझ रही। आप जानती तो हैं सुल्तान दुरानी को, हारून को नहीं खोना चाहती किसी कीमत पे नहीं। कुछ नहीं होगा नकी, पता नहीं भाभी को क्या हो गया, सुबह भी भाई से झगड़ रही थी। मेरी तो समझ में ये बात नहीं आ रही कि इस लड़की के मुंह में पहले तो जबान नहीं थी और अब मार धाड़ पे उतर आई है। पहले तो ऐसी नफसियाती नहीं थी, पूरे घर में बौखलाई बौखलाई फिरती है। मुझे तो लगता है इस लड़की पे कोई जिन का साया है। अम्मी, खुदा के लिए ये सब बातें ना भाई के सामने मत करिएगा, वो सब इन जिन भूतों पर यकीन नहीं रखते। भाई बता रहे थे, उन्होंने डॉक्टर से डिस्कस किया है, वो बता रहे थे कि भाभी कोई ज़हनी दबाव का शिकार है। अरे ये जो नफसियाती दौरे हैं ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है, बहुत खतरनाक है। इस हालत में माँ बनने वाली है, कुछ तो सोचना चाहिए उसे अपने बारे में। दिमाग खराब कर दिए है। नगीन, नगीन क्या हो गया है तुम्हें? अम्मी का फोन आया था मुझे, वो मुझसे कह रही थी कि नगीन क्या हुआ है, क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम्हें पता है मैं सारा सारा दिन तुम्हारी वजह से परेशान हूं। तुम मेंटली सेटल ही नहीं हो पा रही हो और तुम्हारी वजह से मेरा काम पर ध्यान नहीं लग रहा। अभी भी अपना काम किसी और को सौंप कर आए हो। प्लीज मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है, किस बात का खौफ है तुम्हें, बताओ। मैं आपको बताना। हाँ बोलो, बताओ क्या बात है। मुझे लगता है मैं आपको खो दूंगी, मैं हमारे इस बच्चे को खो दूंगी। नहीं नगीन, ऐसा कुछ नहीं है, ना तुम मुझे खोगी ना हमारे बच्चे को, हम दोनों लाइफ पार्टनर्स हैं नगीन। मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, हमेशा यूं ही तुमसे प्यार करता रहूंगा। हमेशा ना, हमेशा। बस मुझे तुम्हारे आंसू नहीं पसंद, प्लीज मत रोया करो। बैठो बैठो, तुमने कुछ खाया? कितनी बुरी बात, हालांकि तुम जानती हो कि इस वक्त तुम्हें बिल्कुल वक्त पे खाना खाना चाहिए। चलो एक काम करते हैं, मैं खाना लगवाता हूँ, तूने इकट्ठे खाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स बताइए। सर आज आपकी सिर्फ एक ही मीटिंग है शाह साहब के साथ लंच टाइम में। हारून का है? सर उनका फोन आया था कि वे लेट आएंगे। क्यों? उनकी वाइफ के साथ उनको शॉपिंग पे जाना है। ठीक है आप जाइए। थैंक यू।
स्नैकिंग के लिए कुछ ले लो मेरी, फिर रात को कभी कुछ खाने का दिल करे तो मिलता नहीं है। अच्छा हारूं मैं ये कह रही हूं कि और अस्सलाम वालेकुम बॉस। वालेकुम सलाम, कहां हूं हारूं? बॉस मैं अपनी वाइफ के साथ सिटी मार्ट आया हुआ हूं जरा ग्रोसरी शॉपिंग के लिए। अच्छा फौरन ऑफिस पहुंचो, मुझे बहुत जरूरी काम है तुमसे। अभी बॉस? लेकिन वो मैं सोच रहा था कि अगर मैं अपनी वाइफ को वापस घर ड्रॉप कर देता फिर आ जाता तो थोड़ी देर में। नहीं नहीं वाइफ तुम्हारी खुद चली जाएंगी, तुम ऑफिस पहुंचो, बहुत जरूरी काम है, फौरी पहुंचो, इंतजार कर रहा हूं मैं तुम्हारा। जी नगीन सुनो मुझे जाना पड़ेगा, वो मेरे बॉस की कॉल आई थी, एक इमरजेंसी है। तो तुम एक काम करो, तुम शॉपिंग करके तो तुम घर चली जाना खुद। लेकिन आपने कहा था कि आपको अपनी चीजें भी ले ली हैं। अरे छोड़ो मेरी चीजों को यार, मैं दोबारा आकर ले लूंगा, मुझे बहुत देर हो रही है ना, वरना मैं रुक जाता। तुम एक काम करो, तुम बस निकलो और घर पहुंचते ही मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? मैं भी वैसे ऑफिस पहुंच के तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके रोमैसा जी, सुल्तान साहब ने मुझे कॉल करके बुलवाया था, कह रहे थे बहुत अर्जेंट काम है, लेकिन अपन रूम में नहीं है। सुल्तान साहब अभी किसी जरूरी काम से निकले, उन्होंने मुझे कहा था कि हारून आ जाओ तो उसे कहना मेरा इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। अच्छा प्लीज एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जिंदगी भर तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा, जिंदगी भर तुम्हें तंग नहीं करूंगा, बस एक आखिरी बार मेरी बात सुन लो। कहो। नहीं यहाँ कैसे कहूँ, यहाँ पास में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। तुम्हें लगता है मैं पागल हूँ? तुम्हारे साथ कहीं अकेले में मिलूँ, रेस्टोरेंट में बैठूँ, तुम्हें पिक्चर्स बनाओ और उसके बाद वायरल कर दो? तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे डरा धमका कर मुझे ब्लैकमेल कर मुझे हासिल कर लोगे तो तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारा ये प्लान कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। तुमसे कह रहा हूँ तुम गलत समझ रही हो मेरे बारे में, मैं सच में तुमसे मोहब्बत करता हूँ। आइंदा हाथ मत लगाना। लेकिन प्लीज मेरी बात सुनो, मैं अपने गुनाहों का कुफारा अदा करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम एक शादीशुदा लड़की को प्रपोज कर रहे हो। हारून तुम्हारे काबिल नहीं है, उसके पास जो भी कुछ है वो मेरा दिया हुआ है, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है नगीन। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी उस मिडिल क्लास आदमी के साथ गुजारो, घुट घुट के जियो, उसके पास कुछ नहीं है अपना, उसको जॉब पे मैंने रखा है। वो ये जॉब भी बहुत जल्दी छोड़ देगा, मैं उसे प्रेशराइज करूंगी और वो ये शहर भी छोड़ देगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है, वो तुम्हें तो छोड़ सकता है लेकिन ये जॉब ये आसाइशें कभी नहीं छोड़ेगा वो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन प्लीज तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है,
मुझे जिंदगी से और कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब कुछ करके मुझे हासिल कर लोगे तो तुम्हारी भूल है ये। नगीन, नगीन मेरी बात सुनो। तुम अगर मेरी बात नहीं सुनोगी तो मैं इसी तरह तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। नगीन, तुम मेरा फोन तक तो उठाती नहीं हो। इतनी मुश्किलों से आज मौका मिला है तुमसे बात करने का। लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुन लो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम मुझे जो सजा दोगी मैं कबूल कर लूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मेरी बात तो सुनो। क्या सजा दूं तुम्हें? कौन होती हूँ मैं सजा देने वाली? सजा देने वाली जात अल्लाह की है। तुम अपनी सजा भुगत रहे हो। सब कुछ गवा देने के बाद भी तुम्हें समझ नहीं आई? अब तो सुधर जाओ। तुम्हें पता है क्या, तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे तरस आ रहा है तुम पे। मुझे तुमसे बहुत नफरत है, लेकिन इस वक्त तुम काबिले रहम लग रहे हो मुझे। खुदा की लाठी बे आवाज होती है। आज यकीन आ गया इस बात का। कहां गया वो गुरूर? ये वो सुल्तान दुरानी तो नहीं जिस सुल्तान दुरानी को मैं जानती हूं। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मैं हार गया हूं तुम्हारी मोहब्बत के सामने। मैं उस मोहब्बत की शिद्दत को नहीं पहचान सका जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी। तुम्हारे मेरी जिंदगी से चले जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या खो दिया है और मैं कितना अधूरा हूं तुम्हारे बगैर। मोहब्बत जब इंतकाम पर उतर आती है ना तो ये रिश्तों का एहतराम भूल जाती है। मैंने भी वही किया तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं, बस मुझे माफ कर दो। मोहब्बत? तुम क्या जानो मोहब्बत क्या होती है? इस जज्बे को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी मोहब्बत की कब्र अपने दिल में बनाकर मैंने इसका पल पल तवाफ किया है। प्लीज आप तो मेरी मोहब्बत का यकीन कर लो। बहुत मुश्किल में हूं, बहुत तकलीफ में हूं। मोहब्बत कुर्बानी देने का नाम है। अगर वाकई मुझसे मोहब्बत करते हो तो दे दो कुर्बानी, भूल जाओ मुझे। नहीं नहीं, तुम मुझसे मेरी जान मांग लो, मुझे अपने हाथ से गोली मार दो, लेकिन मुझसे कुर्बानी ना मांगो। मैं कुर्बानी नहीं दूंगा, मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। ये मैं नहीं जानता कि मेरा दिल तुम्हारे लिए कैसे बदल गया, लेकिन हकीकत यही है कि मेरा दिल बदल चुका है। वो साल मैंने तुम्हारे बगैर कैसे काटे ये मैं जानता हूँ, कितनी तकलीफ में काटे ये मैं जानता हूँ। मैंने गलती की थी, उसका खुमियाजा मैंने भुगत लिया। अब और सजा नहीं भुगतना चाहता मैं। इधर मेरी तरफ देखो, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। देखो हारून के पास तो उसकी माँ है, उसकी बहन है, वो किसी और से शादी भी कर लेगा। मैं उसको इतने पैसे दे दूंगा कि वो कोई भी लड़की उससे शादी करने के लिए राजी हो जाएगी। मेरे पास कोई नहीं है। तुम सुन रही हो ना मेरी बात? मेरे पास कोई नहीं है, बस तुम मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। मुझे तुम हर हाल में मेरी जिंदगी में वापस चाहिए हो। मैं तुम्हारे बगैर अकेला हूं और मैं अकेला रहना नहीं चाहता। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो और मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ।
जाने में इतनी देर कर दी आपने, आपके बगैर खाना भी नहीं खाया, इंतजार करते रहे। मेरे बगैर खाना खाने की आदत डाल लो, बहुत ज्यादा काम होता है ऑफिस में, लेट वर्किंग आवर्स होंगे। सुनो, तुम अजीब बीवी हो भाई। शोहर थका हुआ घर वापस आता है तो बीवियां पानी चाय कोई खाना पूछती हैं, तुमने तो दरवाजे से घुसते के साथ ही सवालों की बौछाड़ कर दी। भूखा आया है मेरा बच्चा, रात को 10 बजे घर आ रहे, खाना खा के आए होंगे। अरे जबान देखो कैसी चलती है इस लड़की की, बदतमीज। चाय लाइयो। नगीन, तुम्हारा फोन क्यों आजकल इतना ऑफ जा रहा है, खराब हो गया क्या? नहीं, मैंने सिम चेंज कर दी। क्या सिम चेंज कर ली तुम? मतलब तुमने नंबर चेंज कर लिया है तो मुझे तो बताना चाहिए ना, कभी कांटेक्ट करना हो तो मैं किस तरह करूं। मैं तो परेशान हो रहा था कि तुम्हारा शायद फोन खराब हो गया। भूल गई होंगी हारून। क्या बात कर रही हो तुम, खुद सुन रही हो जो कह रही हो तुम? मतलब मुझे बताना भूल गई कि तुमने अपना नंबर चेंज कर लिया? हारून प्लीज, बहुत थक गई हूँ, नींद आ रही है मुझे, सोना चाहती हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ।